मौजूदा सांसद कौन है जानते हैं? नहीं जानते। पशुपति पारस को जानते हैं? नहीं जानते। चिराग को जानते हैं? जी जानते हैं। पशुपति पारस जीतेंगे। पशुपति पारस जीतेंगे। चिराग पर भरोसा नहीं है? बहुत कम है। बहुत कम है। चाचा पर भरोसा ज्यादा है, भतीजा पर कम है, ऐसा क्यों? भाई के नाम पर चले आए। अच्छा, लेकिन वह गर्मी जो चिराग में है वो गर्मी नहीं, वो गर्मी नहीं है। चिराग जीतेगा। चिराग का साथ दीजिएगा, का है? रामविलास का क्षेत्र है, रामविलास का बेटा है। चिराग में दम है? चिराग में फुल दम है। क्या बात करें, क्यों दम है? युवा है इसलिए तो नहीं है, और जनता के लिए वो पूरा जान प्राण त्याग रखे हैं। चिरागे होगा। चिराग का है? पशुपति पारस। पारस नहीं, चिरागे होगा। उनका नाम पर पारस जी जीते हैं, रामविलास जी का नाम पर जीते हैं। उनका खुद का दम है तो जीत के दिखावे पारस जी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए मेरे पीछे आपको दो तस्वीरें दिख रही हैं। एक तरफ भतीजे हैं और एक तरफ चाचा हैं, यानी कि एक तरफ चिराग पासवान है और दूसरी तरफ चाचा पशुपति पारस हैं। देखिए लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि ऐसी चर्चाएं हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको ये भी मालूम है कि हाजीपुर से मौजूदा सांसद पशुपति पारस हैं, यानी कि चाचा पशुपति पारस हैं। तो ऐसे में आइए, इस वक्त हम हाजीपुर में हैं, यहाँ पर लोगों से जानते हैं कि आखिर अगर यहाँ पर हाजीपुर में चाचा बनाम भतीजा हो जाए, यानी कि हाजीपुर में अगर चिराग पासवान वर्सेस पशुपति पारस हो जाए तो यहाँ की जनता किसका साथ देगी। तो आइए फिर लोगों से उनकी राय जानते हैं और उनका मिजाज टटोलने की कोशिश करते हैं। नाम क्या हुआ? दिग्विजय कुमार सिंह। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ से मौजूदा एमपी कौन है, सांसद कौन है आपके हाजीपुर? पारस, पशुपति पारस। अच्छा ये बताइए कि पशुपति पारस का साथ दीजिएगा या चिराग पासवान का? अगर चिराग पासवान भी यहाँ से उतर जाते हैं मैदान में तो जीतेगा कौन, पशुपति पारस या चिराग? पशुपति पारस जीतेंगे। पशुपति पारस जीतेंगे। चिराग पर भरोसा नहीं है? बहुत कम है। बहुत कम है। चाचा पर भरोसा ज्यादा है, भतीजा पर कम है, ऐसा क्यों? काम किए हैं पारस? भावना का आकर्षण। अच्छा, पशुपति पारस जी काम किए हैं यहाँ से? काम तो अभी तो नाम उन्हीं का ले रहा है, सांसद नाम उन्हीं का ले रहा है। दोबारा मौका दे दीजिएगा। मौका मिल सके। मेरा तो नाम हुआ अरुण कुमार सिंह। अच्छा ये बताइए कि अगर मैदान में चाचा और भतीजा आमने सामने हो जाए तो किसका साथ दीजिएगा? ये जीतेगा। क्या नाम है? पशुपति पारस या चिराग? चिराग जीतेगा। चिराग का साथ दीजिएगा, का है? रामविलास का क्षेत्र है, रामविलास का बेटा है, वह पहले वही, उसके बाद भाई भी तो है। भाई से क्या हो, भाई तो अभी आया, कोरोना में इतना दिन हो गया, कहाँ आके देखा है? लोग एक बार भी नहीं आया, दिल्ली का प्लेन का हवा खा रहे थे बाबू। क्या बात कर रहे हैं, मतलब कि जो जीते हैं चुनाव जीतने के बाद भेटे तक नहीं? भेंट का किया, इधर आया है। चिराग में तो लोग मर रहा है, लेकिन कहाँ पूछ रहा है? चिराग आते हैं कि नहीं आते? चिराग आता है बेचारा, आते हैं। आज का इतना काम है, इसलिए वोट उसी को मिलेगा, बेटा को। अच्छा, लेकिन पशुपति पारस कह रहे हैं कि राजनीतिक उत्तराधिकारी तो हम है। नहीं नहीं, ऐसा कहने से थोड़ा होता है, कानून के मुताबिक पिता बेटा ही को मिलता है, संपत्ति बेटा ले ले, लेकिन राजनीति पर अधिकार तो हमारा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा, वह यही जीतेगा। यही जीतेंगे। चिराग आगे निकल जाएंगे? चिरागे होगा। चिराग का है? पशुपति पारस। पारस नहीं, चिरागे होगा। चिराग काम बहुत अच्छा काम। लेकिन आपके मौजूदा सांसद तो पशुपति पारस है। सांसद है लेकिन उतना काम नहीं ना किया। क्या बात कर रहे हैं, कोई काम ही नहीं किए? कोई काम नहीं किए, कुछ नहीं किए। भेंट हुई है कि 5 साल में आए हैं? भेंट तो करवे करते हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर वोट मांगने आएंगे अभी तो क्या बोलिएगा? क्या बोलेंगे? चिराग पासवान के बोलने के? बोल दीजिएगा चिराग। बस हाँ मुंह पे बोल दीजिएगा। पूरे जनता बना लिया है, काम नहीं तो दाम नहीं। नो काम नो दाम, मतलब काम नहीं कीजिएगा तो वोट नहीं, वोट नहीं मिलेगा। सही बताइए, चिराग नौजुवक है, नौजवान पर उनका ध्यान है, वो अगर हो जाएंगे जरूर नौजवान पर ध्यान देंगे, बेरोजगारी पर ध्यान देंगे। लगता है कि रामविलास पासवान जी का उत्तराधिकारी चिराग हो? जी जी जी, वही है। दम है चिराग पासवान? क्या कहते हैं, पूरा दम है, पूरा दम है चिराग में है। लेकिन आप पशुपति पारस तो उल्टा कहते हैं। भाई के नाम पर चले आए? अच्छा, भाई के नाम पर चले आए। अच्छा, लेकिन वह गर्मी जो चिराग में है वो गर्मी नहीं है, गर्मी नहीं है, नौजवान के नौजुवक के लिए जो चिराग में है दर्द है वो उनमें नहीं है। मतलब अगर हाजीपुर से चाचा भतीजा भिड़ जाएंगे तो आगे कौन निकलेगा? वो चिराग चिराग है, चिराग चिराग है, जला देंगे यहाँ से चिराग। इन्हें जला नहीं देंगे, उजाला कर देंगे, उजाला कर देंगे। चलिए अच्छा ये बताइए कि हाजीपुर का बादशाह कौन, पशुपति पारस या चिराग? चिराग पासवान। क्या बात कर रहे हैं, पशुपति पारस क्यों नहीं? वो तो भगोरा है पशुपति पारस। क्या बात कर रहे हैं, भाग गए एक बार भी नहीं? वो तो भाग जा रहा है। कहाँ भाग रहे हैं? दिल्ली। दिल्ली जा रहा है।
चिराग पासवान तो नौजुवक है, नौजुवक के लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार है, लेकिन पशु पारत क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है पारत। कह रहे हैं कि हम बहुत काम किए। कहाँ काम किए? जाके गाँव का रोड देखिए, रोड भी खराब है गाँव का। मतलब रामविलास पासवान जी जो काम किए थे उनका नाम पर पारस जी जीते हैं, रामविलास जी का नाम पर जीते हैं, उनका खुद का दम है तो जीत के देखा पे पारस जी। मतलब आप चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कैमरा पर चैलेंज जी कर रहे हैं। उनका खुद का दम है पारस जी के, तो जीत के देखा पे चिराग में दम है, चिराग में फुल दम है। क्या बात करें, क्यों दम है? युवा है इसलिए तो नहीं, युवा है और जनता के लिए वो पूरा जान प्राण त्याग रखे हैं, पूरा त्याग रखे हैं। मतलब अगर वो जमुई छोड़ कर हाजीपुर आते हैं, हाजीपुर आते फुल बहुत से वो निकलेंगे। अच्छा ये बताइए, चिराग को जानते हैं? जानते हैं। पशुपति पारस को जानते हैं? जानते हैं। बेहतर कौन लगता है? दोनों में से कोई बेहतर नहीं लगता। क्या बात करें, दोनों ही अच्छे नहीं लगते हैं? नहीं। आप तो युवा है, चिराग पासवान भी युवा है, दम नहीं दिखता है? दम कम नहीं है, दम कम नहीं है। अच्छा रामविलास पासवान जी के बारे में क्या ख्याल है? वो देखिए, हम लोग पिताजी लोग जानते हैं उनको अच्छी तरीके से, लेकिन हम लोग अभी मेरा नेता अभी तेजस्वी यादव है। तेजस्वी है नेता? मतलब हम यहाँ पर आए हैं रामविलास पासवान जी के गढ़ में और हमें यहाँ पर जबरा फैन देंगे तेजस्वी यादव के? मतलब कि उतना पकड़ नहीं है बिहार में, तेजस्वी यादव अगेंस्ट में बीजेपी के अगेंस्ट में तेजस्वी यादव ही है। मतलब तेजस्वी का कौन सा गुण इतना बढ़िया लगता है? हर गुण अच्छा ही है अभी, हर गुण अच्छा है। तेज प्रताप के बारे में क्या कहिएगा? तेज प्रताप से अच्छा तेजस्वी यादव है, उसको मानते हैं। और चिराग से भी अच्छे तेजस्वी है? हाँ हाँ। क्या आपके मौजूदा सांसद कौन है, जानते हैं? नहीं जानते। पशुपति पारस को जानते हैं? नहीं जानते। चिराग को जानते हैं? जी जानते हैं। अच्छा क्या लगता है, चिराग पासवान में कितना दम है? बहुत दम है, बहुत दम है। हाजीपुर से अगर चुनाव लड़ते हैं तो जिताइएगा क्या? जी हाँ, चिराग को जिता दीजिएगा। अच्छा पशुपति पारस, अच्छा कैसा काम किए हैं पशुपति पारस जी? दिखाई तो देवे नहीं किए, दिखाई देवे नहीं किए, और काम तो दूर का बात है, ये कह रहे हैं क्या? इधर अभी आ रहे हैं, इधर इधर आ रहे हैं, मतलब चुनाव नजदीक है तो आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, चिराग कितने बार आए हैं? वो तो बराबर आते हैं, बराबर आते रहते हैं। अगर यहाँ से पशुपति पारस बनाम चिराग हो जाए तो किसका साथ दीजिएगा? वो तो समय बताएगा उस समय। लेकिन क्या लगता है कि अगर कौन आ जाए तो काम करेगा हाजीपुर में, चिराग या पशुपति पारस? चिराग आएंगे तो काम होगा, काम होगा लग रहा है। मतलब लगता है कि दिवंगत रामविलास पासवान जी के असली उत्तराधिकारी जो है चिराग है? जी जी लगता है, लगता है। पशुपति पारस उनके बारे में तो ना कुछ कहेंगे आप, नहीं जानते। मतलब उनके उनसे गुस्सा है? उनसे नहीं, नहीं गुस्सा नहीं है, नाराज नहीं। मतलब काम नहीं, लेकिन काम है? काम नहीं दिखा, काम नहीं दिखा, चिराग का दिखेगा। तो देखा आपने कि हाजीपुर की जनता ने क्या कहा है पशुपति पारस को लेकर, चिराग पासवान को लेकर। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।